दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम एशिया कप को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की करारी हार को देखकर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को हराने की बात कहकर दिखाई दरिया दिली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को हराकर अफगानिस्तान का बदला पूरा करने की बात का आश्वासन देते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमी भी दंग रह गए। तो आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खिलाफ क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है महान खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से होने वाली है जिसका पहला मुकाबला नेपाल और पाकिस्तान के बीच हुआ। हालांकि भारतीय टीम को अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को खेलना है, लेकिन इसी बीच एशिया कप के शुरू होने से पहले भारतीय टीम जब तैयारी में लग रही थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान को 3 मैच की वनडे सीरीज में करारी शिकस्त दी। ऐसे में अफगानिस्तान की टीम की हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान की टीम का दिल जीत कर उन्हें आश्वासन देते हुए पाकिस्तान को हराने की धमकी दी है और एक ऐसा बयान जारी किया है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के भी दिल को छू लेगा, जिसमें रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलना है, तो वहीं एशिया कप के इस मुकाबले में भारतीय टीम को हराने के बाद में पाकिस्तान की टीम कितनी भी वार्तालाप कर ले, लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की हार के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देश दुआ कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ अपने लिए जीत दर्ज करनी है और साथ में अफगानिस्तान को मिली वनडे सीरीज में हार का बदला भी लेना है क्योंकि अफगानिस्तान जीत के लिए डिजर्विंग थी। ऐसे में अफगानिस्तान की टीम का बदला भी भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा कर लेने वाली है। वहीं विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में जीत दर्ज करनी है और एक शानदार एशिया कप का आगाज भी करना है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम हमसे बचकर रहे क्योंकि भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। ऐसे में हमारी टीम को हराने के बारे में पाकिस्तान बिल्कुल न सोचे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हाल ही में पाकिस्तान ने श्रीलंका के फाद अफगानिस्तान को हराया है। ऐसे में इन दोनों टीम की हार का भी बदला हम एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा कर लें और अपने पड़ोसी देश को खुश लेने का मौका भी देंगे। वहीं हार्दिक पांड्या ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को एशिया कप के बदले मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने से कोई भी रोक नहीं पाएगा क्योंकि हमारी टीम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और हमारी टीम को हराना इस समय काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान की टीम को वनडे सीरीज में हरा दिया है और एशिया कप से पहले हाहाकार मच गया है, लेकिन इन दोनों टीमों की हार का बदला भी हम पाकिस्तान को हराकर पहले मुकाबले में लेंगे और बता देंगे कि हमसे बेहतर टीम कोई भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान हमारे खिलाफ हार के लिए अभी से तैयार हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान की टीम का बदला पाकिस्तान को हरा कर ले पाएंगे या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।